Hey guys! हाँ? 2 सेकेंड ना, ये दिख रहा था, इसको मेरे को रखना पड़ेगा, तेरे को भी याद है। So, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉरी ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है रशीद एंड आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो ये एक नया गेम है जो कि मेरी नजर में आया। एक्चुअली सारे बड़े क्रिएटर्स इस गेम को खेल रहे थे एंड इसका नाम मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। इस गेम का नाम है द मैन फ्रॉम द विंडो। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए, बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे क्रिएटर इस गेम को खेल रहे हैं एंड सबसे बड़ी ये चीज है कि ये कोई बड़ी कंपनी ने इस गेम को नहीं बनाया है, ये एक छोटे डेवलपर टीम ने बनाया है इस गेम को। तो इतने सारे इस गेम को खेल रहे हैं तो means game में कुछ ना कुछ तो अच्छा है। Start new game. Yes. Okay, game हमारा start हो रहा है। सामने door है हमारे। Wait, what? Okay, तो एक मेरे सामने rabbit आ रहा है जो कि I think मम्मी लग रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है but I think rabbit है ये एंड लाइक फीमेल रैबिट है, मेरा कहने का मतलब था फीमेल रैबिट। ओके, ये कुछ तो लेके आई थी एंड रख दिया इसने। अभी ये घूम के विंडो की तरफ जा रही है। ओह ओके, इसका नाम है मामा रैबिट। ओके, मैं बिल्कुल सही था, मेरे को लग ही रहा था ये मम्मी अम्मी है कोई। ओ माई स्टार्स, आई एम टायर्ड, व्यू व्हाट अ लॉन्ग डे। ओके, ये ना काम करती है मेरे हिसाब से एंड ये अभी अपने काम करके आई है। सीम्स लाइक आई कीप गेटिंग होम लेटर एंड लेटर बट दैट्स जस्ट हाउ इट समटाइम्स, आई अरंट गिविंग अप, आई बेटर ट्राई टू गेट सम स्लीप। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखे आ रही थी लेकिन अभी समझ में आ गया। सो अभी इसको सोना है बिकॉज इसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि इसका एक छोटा बच्चा भी है। सो यहाँ पे लिखा है कि ना इसको जल्दी उठना पड़ेगा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए इसके बच्चे के लिए। ओह यस, ये रहा इसका बच्चा जो जस्ट अभी निकला। ओके, इसके हाथ में कोई तो बुक है। मामा मामा। ओके, ये अपनी मम्मी को बुला रहा है, ये पूछ रही है अपने बच्चे से कि ये इतना लेट तक क्यों जग रहा है। ये बोल रही है उससे कि तुम्हारा कल के दिन स्कूल है, वो उससे बोल रहा है बट मामा द मैन फ्रॉम द बुक इज गोना गेट मी। ओके, तो इसके पास ना आई थिंक कोई बुक है एंड उसमें कोई आदमी है जिससे ये डरा गया है। हा? कौन सा आदमी, कौन सी किताब? ये आदमी जो मेरी स्टोरी बुक में है, देखो। ओके, द मैन फ्रॉम द विंडो। ओके, तो ये आदमी है जिसके ऊपर ये गेम है। ओके, तो ये एक किताब है जिसको ये छोटा सा बच्चा पढ़ रहा था एंड हमें ये पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो मैं इस किताब को पढ़ लेता हूँ एंड फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तो मैं ये जो स्टोरी पढ़ रहा था, ये एक्चुअली स्टोरी कम, ये पोएम ज्यादा लग रही है। तो इस पोएम के अंदर ना एक मैन के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ज्यादा लॉनली है एंड जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो उसको ढूंढने के लिए आ जाएगा। तो ये जो इंसान है ये कुछ नहीं चाहता है, इसको बस एक फ्रेंड चाहिए है। तो जैसे ही ये किताब खत्म होगी ना, जैसे ये किताब रीड कर लोगे तुम पूरी, उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होंगे और 5 मिनट के अंदर वो आदमी तुम्हारे पास आ जाएगा एंड वो तुमको उठा के ले जाएगा। तो ऐसा लिखा है इसमें। ऑल्सो इसमें ये भी लिखा है कि जब वो आ जाएगा ना एंड उसको 5 मिनट तक अगर कोई सा भी इंसान यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर वो यहाँ से वापिस चला जाएगा। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन कौन सी जगह पे ढूंढेगा। सो हम लोगों ने ये पूरी बुक पढ़ ली है, ठीक है, एंड ये एक्चुअली में काफी स्कैरी थी जिसने भी लिखी है क्योंकि इसमें सीधा ऐसे बताया गया है कि भाई इस बुक को जो भी पढ़ेगा वो सीधा किडनैप हो जाएगा। बट ये बुक भाई इस बच्चे को मिली कैसे है? ये ऐसे बोल रही है कि तुम बहुत छोटे हो ऐसी चीजें पढ़ने के लिए। बट मामा आई सॉ हिम आउटसाइड। ओके, तो ये बच्चा बोल रहा है कि जब ये बुक पढ़ रहा था ना तब इसने इस इंसान को बाहर देखा है। तो इसकी मम्मी बोल रही है कि कुछ नहीं है, बस किताब है, डर मत। ओ गाइस, मैं बात कर ही रहा था तभी ना मेरे को टैपिंग सुनाई दी है, तो आई थिंक टैपिंग हो गई है एंड जूनियर बोल रहा है ये यही है, वो बाहर है। ओके, ये थोड़ा सा स्कैरी हो गया है, वो दोबारा से टैप टैप कर रहा है, मेरे को एक्चुअली में उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली एंड ये बोल रहा है कि ये टेबल पे रखी हुई थी जब वो स्कूल से आया। ये बोल रहा है कि आप ही तो लाई थी ना ये मेरे लिए। ओके, तो इसको ना ये, इसको ये बुक जो है ना टेबल पे मिली है बट इसकी मम्मी ये बुक लेके ही नहीं आई थी एंड इसको बच्चे को लगा कि इसकी मम्मी लेके आई है ये बुक। ओके, तो गेम अभी स्टार्ट हो गया है। तो ये रहा मेरा बच्चा एंड आई थिंक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ना 5 मिनट है। ओके, यहाँ पर टाइमर भी है, 1:55 AM हो रहा है।
इट मीन्स 2 AM से पहले भाई मेरे को जो है ना इसको जो है छुपाना पड़ेगा। भाई रात के 2 बज रही हैं, रात के 2 बजे बिल्कुल भी सही नहीं है। जूनियर इसको बोलता हूँ फॉलो मी, ठीक है ना, इसको मेरे को आई थिंक छुपाना पड़ेगा। 155 हो रहे हैं ना, मेरे को छुपाना पड़ेगा। ओके यहाँ पर ये खाना रखा है, चाबी भी है। ओके चाबी ले लूँ क्या? आई बेटर टेक माई कीज विद मी। ओके मैंने ये कीज ले ली है। ओके ये जो जो चीजें मैं यूज कर सकता हूँ ना उनके ऊपर रेड साइन आ रहा है। मैं इस चेयर का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे मैं डोर को बंद कर दूंगा। आई थिंक मेरे को करना चाहिए, मैं इस चेयर को ना मूव कर देता हूँ। ओके लेट्स सी इफ इससे कुछ होता है कि नहीं। हुआ क्या? ओह ओके मैंने ये चेयर यहाँ पे लगा दी क्योंकि वो बंदा सिर्फ यहीं से आ सकता है। ओके 157 हो गए हैं ऑलरेडी, आई थिंक वो जल्दी आ जाएगा। मेरे को इसको छुपाना पड़ेगा कहीं पे। ओके ये इसका रूम है ना, ओके इसके अंदर छुपा देता हूँ। जूनियर इसके अंदर छुप जा, हाइड अंडर द बेड। ओके मैं इसको बोल रहा हूँ कि बेड के अंदर छुप जा, एंड इसको बोल रहा हूँ कि ये बाहर नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बुलाता हूँ। ओके ये बेड के अंदर छुप गया, ये इसके हाथ दिख रहे हैं। मैं गेट बंद कर देता हूँ। इसके अंदर कोई जगह है क्या छुपने की? ओह इसके अंदर भी जगह है जिसके अंदर छुप सकते हैं। सो एक्चुअली मैं इस सिंक के अंदर घुसना चाह रहा था, लेकिन जो है ना मेरा बट यानी मेरा बिग बट इसके अंदर बनेगा नहीं, तो मैं इसके अंदर नहीं छुप सकता हूँ। मेरे को कहीं और छुपना पड़ेगा। आई थिंक आई कैन फिट अंडर, ओह मैं इस टेबल के अंदर छुप सकता हूँ। ओके मैं टेबल के अंदर छुप जाता हूँ। मैंने गेट बंद कर दिया है एंड जूनियर को भी छुपा दिया है। लेट्स सी कि क्या होता है। इट वॉज एग्जैक्टली 2 AM, तो एग्जैक्टली रात के 2 बज रहे थे, एंड तभी वो आदमी हमारे फ्रंट गेट के सामने आ गया, फ्रंट डोर के सामने। जो डोर था वो अनलॉक था, लेकिन जो आदमी था वो उसको ओपन नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो छोटी सी चेयर जो है ना, क्योंकि मैंने छोटी सी चेयर रख दी थी ना, इसलिए आई थिंक वो ओपन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसको 30 सेकेंड्स लगे एंड उसने पूरा गेट, मतलब जो डोर है उसको तोड़ दिया। ओके मैं साइड में छुपा हुआ हूँ, वो देखो। ओके आई थिंक अभी हम मैन का POV देख रहे हैं। ओ मैंने यार मैंने ये वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया था। ओके तो वो सीधा जाता है एंड सिंक के अंदर देखता है। ओके सिंक के अंदर उसको कोई नहीं दिखा, बट उसको कोई भी नहीं मिलता है। अभी टाइम हो रहा था 2:01, मेरे को बस उसको थोड़ी देर के लिए छुपा के रखना है। ओ नो 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 नो, ये इस रूम में चला गया। अरे यार नहीं, द मैन लुक्ड अंडर द, अरे ये आदमी नीचे देखेगा बैठ के। द मैन हैड फाउंड हिज न्यू फ्रेंड। ओके हम लोग गेम हार गए आई थिंक, क्योंकि उसने बच्चे को देख लिया एंड वो ले गया है। ब्लैक स्क्रीन हो गई अचानक से। वो बिल्कुल पास होना चाहिए, वो इतनी जल्दी कहीं दूर नहीं गए होंगे, मेरे को जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। ओके वो मेरे बच्चे को ले गया है, ठीक है ना, वो आदमी मेरे घर में घुसा एंड वो बच्चे को ले गया। ये मामा रैबिट उसको रोक नहीं पाई है। ओके ये हमसे हेल्प मांग रही है, लेकिन मैं कैसे बचाऊं इसके बच्चे को? आई थिंक बाहर जाएंगे क्या अपन? गेम खत्म हो गया। अभी मैं समझाऊं, सो एक्चुअली ना ये गेम यहीं तक है कि हमें ना बच्चे को बचाना है किसी भी तरीके से। इफ हम लोग नहीं बचा पाएंगे ना तो हम मर जाएंगे, इट मींस गेम खत्म हो जाएगा। ओके एक और बार ट्राई करता हूँ एंड इस बार मैं देखता हूँ कि मैंने लास्ट बार क्या गलती करी थी। ओके लास्ट बार मैंने देखा था कि मैंने ना, रुक जा मैंने, अरे रुक जा, हट जा, अरे हट जा भाई, ये मेरे सामने ही है, हट ही नहीं रहा है वहां से। ओके लास्ट बार मैंने नोटिस किया था कि मैंने ये चाबी ली थी ना, लेकिन ये चाबी से मैंने डोर नहीं लगा पाया था। ये चाबी ले लेता हूं मैं। ओके ये चाबी लेता हूं। ओह मैं बाहर भी जा सकता हूँ, मेरे को नहीं पता था। ओके तो आई थिंक यहाँ पे चाबी नहीं लगा सकते हैं अपन। मैं जूनियर को बोलता हूँ, जूनियर मेरे पीछे आ, जूनियर कम हियर एंड यहाँ पे छुप जा, हाइड अंडर द, ओ नहीं नहीं हाँ वो बेड के अंदर ही छुपा देता हूँ, बिकॉज मेरे को याद है वो ना सीधे सबसे पहले इसके अंदर आया था। अब मैं इसको लगा देता हूँ। ओके ये नहीं चाबी, मैं ताला कैसे लगाऊं चाबी से? रुको मेरे को देखना पड़ेगा। ओके एल दबा कर ना मैं लॉक कर सकता हूँ। ओके मैंने लॉक कर दिया आई थिंक इसको, एंड मैंने अपने हाथ में चाबी ले ली है एंड मैं इसको ओपन, ये क्या है, इट्स अ बॉक्स ऑफ डोनट्स। ओके ये मैं ओपन का ऑप्शन है, मैं इस बॉक्स को ओपन कर देता हूँ, कितना मिनट बचा है, एंड इसको लेता हूँ एंड इस टेबल को जो है ना मैं डोर के सामने लगा देता हूँ। इस टेबल को मैं डोर के सामने लगाऊंगा एंड ये चाबी से ना मैं वो कर दूंगा, गेट को लगा दूंगा। ओके मैंने गेट लगा दिया एंड ये भी गेट लगा दिया एंड अभी मैं इसके नीचे छुप जाता हूँ। लेट्स सी अभी वो कैसे पकड़ेगा मेरे को, अभी देखना है। सो 2 बजे वो आदमी आ जाता है एंड डोर मैंने चाबी लगा दी थी, लेकिन उसको 30 सेकेंड लगते हैं एंड 30 सेकेंड के बाद ना,
ओ तोड़ लेता है, एक मिनट लगता है उसको गेट तोड़ने में। ओके तो 2:01 हो गए होंगे अभी, मेरे को 5 मिनट तक ऐसे रखना है कि ये ढूंढ ना पाए। अगर 5 मिनट तक ये ढूंढ नहीं पाता है ना तो उसके बाद मैं बच जाऊंगा। ओके सबसे पहले इसको डोनट्स मिले तो ये डोनट्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम देगा। कितना टाइम लगा इसको, आदमी को पूरा 1 मिनट लगा उसको खाने में। इट मीन्स अभी 2:02 हो गए होंगे, 3 मिनट तक और मेरे को सर्वाइव करना है। लेट्स सी, ओ ये सीधा जा रहा है। ओके गेट खोल पाएगा क्या? द बेडरूम डोर हैड बीन लॉक्ड। ओके ओ इसको 30 सेकेंड लगे। ओ 30 सेकेंड के बाद इसने तोड़ दिया गेट। ओ नो, द मैन लुक्ड अंडर द बेड एंड उसको बच्चा मिल गया। ओके मैं कुछ भी करता हूँ ना यार उसको पता लग जाता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे छुपाऊ मैं जिससे उसको पता ना लगे। अभी हम लोगों ने ना लाइक 2 मिनट और 30 सेकेंड तक सर्वाइव कर लिया था। ओके ये थोड़ा दिमाग वाला गेम है एक्चुअली, बहुत दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है इसमें। ओ सोफा, मैं इस सोफा को कर देता हूँ ना लाइक। ओके मैं इस काउच को रख देता हूँ भाई वहां पर, अभी समझा। अभी मैंने इस काउच को रख दिया है एंड मैं की लेता हूँ एंड यस। ओके अब देखूं मैं वो कैसे खोलेगा। मैं डोनट्स को भी खोल देता हूँ एंड मैंने जूनियर को सिंक के अंदर छुपा दिया है। और एक चीज करता हूँ कि मैं यही वाली जो डोर है ना, ये वाली डोर इसको कर देता हूँ बंद एंड सिर्फ इसमें चाबी लगा देता हूँ। ठीक है तो एक में चाबी लगाऊंगा एंड इस वाली को ना खोल दूंगा तो वो इसके अंदर आएगा ढूंढने के लिए एंड उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी मैंने छुपा दिया है, अभी वो पागल बना दूंगा। ओके 2 बजे आया वो एंड 30 सेकेंड लगे उसको लॉक को तोड़ने में एंड बहुत भारी मतलब कि वो सोफा था तो आई थिंक उसको उसको पूरा 1 मिनट लगा पूरा तोड़ने में। नाइस तो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड लगे उसको गेट तोड़ने में तो अभी वो खाएगा डोनट्स। ओके ये अच्छा साइन है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा घर के अंदर आने में। ओके इसने डोनट्स देखे एंड फिर उसको 1 मिनट लगा डोनट्स को खाने में। अभी हो गए होंगे 2:02 एंड 30 सेकेंड में हो जाएंगे 2:03। अभी वो सीधा गया। ओ ओके ओके वो फ्रिज के पास आया फ्रिज में देखने के लिए एंड उसको फ्रिज में कुछ नहीं मिला। तो अभी हो गए होंगे 2:03। बाथरूम डोर हैज बीन लॉक्ड। ओके बाथरूम का डोर लॉक था, उसको 30 सेकेंड लगे। ओके उसने देखा, उसने वॉश ट्यूब के अंदर देखा एंड उसको कुछ नहीं मिला। ओके अभी वो सिंक में ना देख ले एंड 2:04 हो गए हैं। ओके वो दूसरे रूम में, ओ नो 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 सिंक में देखेगा का? नहीं, मेरे को लगा वो दूसरे रूम में जाएगा। ओके उसने सिंक में देखा, पूरा एंड में चला गया था मैं। ओ बस 1 मिनट, बस एक मिनट और। ओके ऑलमोस्ट कर दिया है, मैं समझ गया हूँ। आई थिंक उसको सिंक की जगह और कहीं छुपा देता हूँ मैं। 1 मिनट और नहीं ढूंढ पाता ना उसको तो हम गेम जीत जाते। कितना बहुत ज्यादा क्लोज था मैं। ओके जूनियर मेरे को फॉलो कर, ठीक है। मैं सबसे पहले ये काउच ही सबसे अच्छा है, काउच तो मैं बिल्कुल सही रख रहा हूँ। ठीक है काउच रख दिया मैंने एंड नेक्स्ट चीज इज कि मैं डोनट्स को जो है ना ओपन कर देता हूँ। नाउ मैं चाबी लेता हूँ एंड चाबी लगा देता हूँ। ओके चाबी लगा दी मैंने। नाउ इट्स टाइम कि मैं इसको अगर यहाँ पे छुपाऊंगा ना तो भी लाइक वो देख लेगा। तो इधर साइड आ, कम हियर एंड इसके अंदर छुप। मैंने उसको इसके अंदर छुपा दिया, लेट्स सी कि वो इसमें देखेगा। ओके मैंने इसको अंदर छुपा दिया उसको एंड सिंक के अंदर, वो छुप जाता सिंक के अंदर भी बट सिंक के अंदर ना उसको ढूंढ लेता वो। नाउ इट्स टाइम कि मैं इसको ओपन करूं, ठीक है ना, एंड इसके अंदर छुप सकता हूं क्या? ओके ये इसके अंदर हम लोग नहीं छुप सकते। इसमें लगा देता हूं मैं ताला, तो इसको मैं बंद करता हूं एंड इसमें भी लगा देता हूं ताला। नाउ इट्स टाइम कि मैं भी छुप जाऊं। ओके लेट्स सी छुप क्या। ओके तो ये आया, 2:01 हुए, इसने डोनट्स खाए, ये डोनट्स खाएगा जिससे 1 मिनट ले लेगा ये। तो 2:30 हो गए हैं तो अभी हमने 2:30 और सर्वाइव करना है। प्लीज प्लीज फ्रीज फ्रीज फ्रीज। ओके ये इसने फ्रीज नहीं देखा और ये सीधे उसी रूम में गया। ओके रूम तोड़ा इसने। प्लीज प्लीज सिंक देखना, 2:03 हो गए, प्लीज सिंक देखना। ओके सिंक देख रहा है ये, इसने सिंक के अंदर देखा एंड इसको सिंक के अंदर कुछ नहीं मिला। अभी उसके पूरे अभी रूम से निकल जा प्लीज। ओके रूम से निकल गया, ओ रूम से निकल गया। अभी ये ओके अभी फ्रिज देख रहा है। ओके फ्रिज के अंदर भी देखा है इसने। आई थिंक हम लोगों ने कर दिया है। फिर कितना टाइम हो रहा है, 2:04। ओके ओके अभी ये रूम में जाएगा, दूसरे रूम में जाएगा एंड वहां पर भी इसको कुछ नहीं मिलेगा।
ओके, गया दूसरे रूम में एंड इसको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला एंड अभी 2:04:30 हो गए होंगे एंड फाउंड नथिंग। ओके आई थिंक 2:05 हो गई है, अभी टाइम कितना हो रहा है, एंड अभी टाइम हो रहा था 2:05, आदमी का टाइम खत्म हो गया था एंड उसको पता था, सो एज क्विकली ही अराइव्ड एंड उसी तरीके से वो भाग गया। ओके उसका टाइम खत्म हो गया था तो वो भाग गया। ओके कर लिया मैंने, ओह माय गॉड, ओह डैम, इतने मेहनत के बाद फाइनली। ओके 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 नाइस। ओके ये रही रैबिट मामा। ओके गेट बंद कर दिया हम लोगों ने, डोर बंद कर दिया। मामा इजी गोन, यस चला गया वो, डोंट वरी। हुर्रे आई न्यू आप कर सकती हो। ओ नो क्या हुआ, व्हाट, ओ उसने सारे डोनट्स खा लिए। ओके बच्चा बोरिंग मतलब गुस्सा हो गया कि भाई डोनट्स खा लिए उसने सारे एंड ऐसे मना कर रही है कि कोई सी भी ऐसी बुक ना पढ़े ये दोबारा से। ओके तो ये था ये गेम, ये इंटरेस्टिंग गेम था। अब मेरे को समझ रहा है कि सारे लोग इस गेम को क्यों खेल रहे थे, बिकॉज फर्स्ट मेरे को लगा कि शायद से ये हॉरर गेम है, बट फिर मेरे को समझ में आया कि ये एक्चुअली हॉरर गेम नहीं है, ये थोड़ा दिमाग वाला गेम है जिसको दिमाग से खेलना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि कैसे ये गेम कंप्लीट होगा, बट यार आई गेस आज के इतना ही। मेरा नाम है अर्चित, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।